आपका स्वागत है मेरे चैनल एंड दिस वीडियो में। सो आज हम करने वाले एक बहुत ही इलेक्ट्रिफाइड चीज। सो आपको तो पता ही होगा लावा बहुत डेंजरस होता है। नेवर गो एंड ट्राई हैंड एंड पुट योर हैंड ओवर देयर। ये बहुत डेंजरस चीज होती है लिविंग ऑन अर्थ। बट ऐसी कोई बहुत ही खूबसूरत लावा, एक बहुत ही खूबसूरत लावा जिसका रंग रेड नहीं ब्लू होता है। यस, यूजुअली लावा रेड होता है पर यहाँ पर ये ब्लू है। सो ये लावा एक्चुअली में प्रेजेंट है इस आइलैंड में। इस आइलैंड का नाम आपको अभी पता चलने वाला है, इंडोनेशियाज़ कावा एंजन वल्कानो। इस वल्कानो में ये लावा प्रेजेंट है। बट क्या ये लावा अंदर से निकलता है या फिर इसका कोई मिस्ट्री है? तो ये है इस जहाँ पर वो प्रेजेंट है इंडोनेशिया में, एंड जहाँ पर वो जगह है उसका मैप मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। यू कैन सी द मैप। सो ये टेरिफाइंग सा ब्लू लावा क्या वल्कानो के अंदर से ही आता है? क्या वल्कानो अंदर से ही ब्लू है? क्या रेड लावा प्रेजेंट ही नहीं है वल्कानो में या उसके अंदर कुछ और है? सो ये लावा ब्लू क्यों है? क्यों ये टर्न ब्लू हो जाता है रेड से ब्लू? एंड क्या ये लावा मतलब अंदर से ही ब्लू है या फिर अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो इसको ब्लू करवा रही है? सो इसका आंसर है कि ये जो लावा है ये एक्सट्रीमली हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है जो इमर्ज हो जाती है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो समटाइम एक्सेस हो जाती 600 डिग्री सेल्सियस में अलॉन्ग विद द लावा। मीन्स जब लावा सल्फ्यूरिक गैस जो प्रेजेंट है उससे मिक्स होती है एंड फिर जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन एयर में उससे भी मिक्स हो जाती है एंड देन लावा से भी मिक्स हो जाती है तो ये रैपिड सा ब्लू इलेक्ट्रिफाइड ब्लू कलर आता है। मीन्स लावा का जो कलर है वो क्यों चेंज होता है? जब सल्फ्यूरिक गैस एक्सपोज होती है जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है एंड देन जब लावा के साथ मिक्स हो जाती है सो वो जो ब्लू कलर है वो निकल के आता है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कुछ कुछ जगह रेड निकल रही है। मीन्स वो अंदर से रेड ही है बट जब वो सल्फ्यूरिक गैस की तरह होता है तो ये सब होता है। सो ये आइलैंड जो है वो इंडियन एशिया में प्रेजेंट है, डोमिनेटेड बाय एक्टिव वल्कानोस एंड ईगली ब्यूटीफुल वल्कानोस ऑफ ब्लू फायर। ब्लू फायर में बहुत खूबसूरत वल्कानो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो यही बस नहीं है, इसकी वजह से वर्ल्ड के मींस लाइक एसिडिक लेक में से सबसे टॉप लार्जेस्ट एसिडिक लेक प्रेजेंट है इधर, कन्वेंशनली सूटेड इन अ क्रेटर। सो क्रेटर शेप में वो लेक प्रेजेंट है। सो ये सल्फ्यूरिक गैस जो है जब एयर के साथ अबव जो एयर प्रेजेंट है अगर वो 360 डिग्री सेल्सियस से अबव जाती है एंड जब उसके साथ सल्फ्यूरिक गैस मिलता है तो यही ब्लू कलर आता है। बस यही नहीं, ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस सल्फर माइनिंग ऑपरेशन में से भी एक जगह है। सल्फर माइनिंग जो सबसे डेंजरस होती है सो उसमें से ये एक जगह सबसे डेंजरस जगह में से एक है। यहाँ पर इसीलिए विजिटर्स गाइड के साथ आते हैं ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो सके। सो ये था होल वीडियो अबाउट। अगर आपको ये टेरिफाइंग सा इलेक्ट्रिफाइंग सा ब्लू लावा पसंद आया सो हिट द लाइक। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सब्सक्राइब। और भी ऐसे कंटेंट मिलेंगे और भी ऐसे मिस्ट्रियस चीज़ मिलेंगे इन माई चैनल। सो कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। बाय।